नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर शहर के निकटवर्ती सालावास तनावाड़ा फांटा स्थित एक थर्माकोल गत्ता फैक्ट्री में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। आग से हजारों रुपए की कीमत का थर्माकोल स्क्रैप और गत्ता जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के कारण आरंभिक तौर पर सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि यह आग किसी ने जानबूझकर लगाई है। फिलहाल मामला अनुसंधान में है। बीकानेर जिले में नोखा तहसील के पारवा गांव के पास गुरुवार सुबह 4 बजे दो पिकअप गाड़ियों की आमने सामने की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई और एक दर्जन व्यक्ति घायल हो गए। हादसे के कारण वहां जाम लग गया। सूचना मिलने पर ड्यूटी अधिकारी राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। राजेंद्र सिंह ने बताया कि नागौर से बीकानेर सब्जी लेकर जा रही एक पिकअप गाड़ी के सामने आने से मजदूरों को लेकर आ रही पिकअप गाड़ी से भिड़ गई। आमने सामने की भिड़ंत में मजदूरों वाली पिकअप में सवार बुजुर्ग महिला रज्जो देवी की मृत्यु हो गई। हादसे के कारण वहां जाम लग गया। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस ने हत्या के एक फरार आरोपी को डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने बताया कि बिलाड़ा थाना अधिकारी चैन प्रकाश चौधरी ने हत्या के एक मुकदमे में साल भर से फरार चल रहे रामडावास कला पिपाट शहर निवासी प्रेम सिंह को 3 किलोग्राम डोडा पोस्ट पर बिना नंबरी मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है। उसने गत वर्ष साबुन सरफ बनाने वाले दिनेश नामक युवक की हत्या की थी। उत्तर प्रदेश की हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले के खिलाफ शहर भर में रोष व्याप्त है। लोगों ने बीकानेर कलेक्टर पर प्रदर्शन कर रोष जताया। वहीं युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष फरमान कोहरी के नेतृत्व में गुरुवार को पंडित धर्मकांटा रोड पर कैंडल मार्च निकालकर दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप व हत्या का विरोध जताया। सचिव देवेंद्र विस्सा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। देश की सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली जेलों की सूची में शामिल जोधपुर सेंट्रल जेल के दो प्रहरियों को रातानाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों जेल प्रहरी छुपाकर बंदियों को मोबाइल दिया करते थे। रातानाड़ा थाना अधिकारी रमेश शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले देवाराम ने अपने प्राइवेट पार्ट में 4 मोबाइल छिपा लिए थे, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। पूछताछ में उसने 2 जेल प्रहरियों के नाम लिए। ये 4 मोबाइल दोनों जेल प्रहरियों ने ही उसे जेल की बैरक तक पहुंचाए थे। इसके बाद जेल प्रहरी कैलाश व अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीकानेर नगर निगम में मृत पशु हड्डी ठेका नीलामी का विवाद थमा भी नहीं कि 80 वार्डों में कचरा परिवहन के टेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिकायत होने पर आयुक्त ने स्वीकृति जारी नहीं की, फाइल दोबारा परीक्षण के लिए लौटा दी। शहर के 80 वार्डों में कचरा परिवहन के लिए नगर निगम ने 25 अगस्त को टेंडर जारी किए थे। 8 करोड़ के टेंडर के लिए 5 फर्म ने आवेदन किए थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित के साथ हुए गैंगरेप को लेकर जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर दलित संगठनों के प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। आज सुबह भीम आर्मी ने ज्ञापन सौंप मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष आनंद पाल चौहान व भीम आर्मी जिला प्रभारी सुनील भाटी ने बताया कि मामले में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान पर मास्क पहनने के लिए 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे जन आंदोलन को लेकर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने स्वयंसेवी संस्थाओं, संत महंतों सहित विभिन्न वर्गों के साथ चर्चा कर इसमें अधिकाधिक सहभागिता निभाने की अपील की है। जिला कलेक्टर ने कहा कि संक्रमण की दर को कम करने के लिए हर चेहरे पर मास्क होना बेहद जरूरी है। इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। लंबे अंतराल के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 30 अक्टूबर से पूर्व नगर निकाय के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने चुनाव की तैयारियों का श्री गणेश करते हुए जिला महामंत्रियों से विचार विमर्श किया और मंडल एवं मोर्चा अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सूर्य नगरी के ख्यातनाम हिंदी गजलकार सृजना के आजीवन सदस्य आनंद चंद टाटिया भानु मित्र के निधन पर साहित्यकारों ने शोक जताया है। सृजना सचिव हरिदास व्यास ने बताया कि सृजना अध्यक्ष सुषमा चौहान, संरक्षक मुरलीधर वैष्णव, कथाकार हरिप्रकाश राठी, शायर हबीब कैफी, गजलकार खुर्शीद खैराड़ी ने शोक जताते हुए भानु मित्र के अवसान को गजल के आलोचना पक्ष की अपूर्णीय क्षति कहा है। अनुसूचित जाति जनजाति महासभा राजस्थान की जोधपुर जिला शाखा की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जासोल के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में जसवंत सिंह जासोल के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जोधपुर क्षेत्र में जवाई बांध जल वितरण समिति की वर्चुअल बैठक 7 अक्टूबर को संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित होगी।
संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा से जवाई बांध किसान संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल मिला और उनसे समिति की बैठक बुलाने, नहरों की सफाई करवाने व कृषि के लिए निर्धारित जल वितरण का अनुरोध किया। जोधपुर के पूर्व युवराज शिवराज सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मां जगदम्बा युवा विकास समिति के तत्वाधान में आरटीओ ऑफिस में मास्क वितरित किए गए। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए सरकार की बताई गई गाइडलाइन की जानकारी दी। कोरोना के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए जोधपुर नगर निगम की ओर से जन जागरूकता अभियान जारी है। इसी के तहत नगर निगम की ओर से शहर के समस्त वार्डों में मेरा वार्ड मेरी रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी वार्ड प्रभारियों ने अपने अपने वार्ड में कोरोना जागरूकता से संबंधित आकर्षक रंगोलियां बनाई और लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना का संदेश दिया। हर माह आयोजित होने वाले निशुल्क मिर्गी जांच शिविर की कड़ी में 266वें शिविर का आयोजन जोधपुर में किया गया। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार कोरोना की बीमारी को ध्यान में रखते हुए केवल पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाए हुए 25 मरीजों को बुलाकर दवा का वितरण किया गया। कई मरीजों को टेलीमेडिसिन से समस्याओं का निवारण किया गया। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर रेल मंडल से नए उत्पाद प्रिंटेड एक्सपोर्ट फैब्रिक्स का मुंबई और हावड़ा के लिए पार्सल लदान शुरू हो गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि भारतीय रेलवे पार्सल और माल यातायात को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।